आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रेम की नगरी मथुरा करती बेड़ा पार, और अब की बार हम देखेंगे किसकी बड़ी सरकार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर। अब शुरू कार्यक्रम, यूपी का मुखिया कौन। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, जांचने की पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठ रही है, क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन सत्ता में ये पूरी तैयारी कर चुका है, किसको जनता जिताने वाली है और कौन पूर्ण बहुमत के साथ 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में काबिज होने वाला है। उसी कड़ी में आज हम मथुरा में मौजूद हैं। ये मथुरा प्रेम की नगरी कहा जाता है, मथुरा जहां नमस्कार नहीं, जहां नमस्ते नहीं, जहां प्रणाम नहीं, जहां राधे राधे कहा जाता है। यहां हर स्वर में प्रेम झलकता है और इस मथुरा नगरी में राजनीति इस वक्त किस उथल पुथल के बीच गुजर रही है, क्योंकि आने वाली कुछ ही घंटों बाद यहां पर मतदान होना है और उस मतदान के पहले इस मथुरा में जो राजनीति का टेम्परेचर है वो काफी हाई है। जो जनता है उसने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा मूड बना रखा है कि कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर हमें इस बार वोट देना है। मथुरा और यमुना, मेरे ठीक पीछे यमुना, जो यहां पर आस्था का प्रतीक है, पूरे देश में आस्था का प्रतीक है, दूर दूर से लोग प्रणाम करने आते हैं, अपनी मनोकामना मांगने आते हैं, और यमुना यहां पर एक अहम मुद्दा रहा है क्योंकि यमुना के नाम पर भी लोगों ने वोट मांगा है। ये कहा है कि हम यमुना का शुद्धिकरण कर देंगे, सब कुछ बेहतर कर देंगे, पूरा विकास हो जाएगा पूरे मथुरा का, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, कितना उसमें क्या हुआ है, ये सब हम जांचने की, ये सब हम पड़ताल करने की कोशिश आज इस डिबेट के जरिए करने वाले हैं, इस कार्यक्रम के जरिए करने वाले हैं। फिलहाल मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं और इस 5 विधानसभा सीटों की अगर बात करी जाए तो यहां पर बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने काफी अच्छी पकड़ बनाई थी। यहां से प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी विधायक हैं, कई बड़े नाम जो है वो विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कितना काम किया है, इस बार जनता का मूड क्या है, यही सब आज हम जानेंगे, यही सब आज हम कोशिश करेंगे जांचने की, पड़ताल करने की कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, जहां पर सरकार एक तरफ कह रही है कि अयोध्या और बनारस सिर्फ झांकी है, अब की बार मथुरा की बारी है, तो ये मथुरा का मुद्दा बीच में क्यों आ गया। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से जो बात कही जा रही है कि बेहतर विकास किया गया है, चाहे वो ब्रज क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश का पश्चिम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हो, वहां पर तो उसमें कितनी सच्चाई है। विपक्षियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार का अगर काम इतना बेहतर होता तो सरकार के शीर्ष नेतृत्व वो गलियों में डोर टू डोर कैंपेनिंग करने को मजबूर नहीं होते, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये इस बार चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से कोशिश करेगी कि जनता का जो वोट है वो जबरदस्ती अपने पाले में खींचा जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ये सारे सवाल जो है ये कहीं ना कहीं जनता पर कितना इफेक्ट डालने वाले हैं, इस चुनाव पर कितना इफेक्ट डालने वाले हैं, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। फिलहाल आज की मैं इस डिबेट को यहां से शुरू करूंगा। यमुना नदी के तट पर हम लोग खड़े हुए हैं, घाट पर खड़े हुए हैं, और हमारे साथ जो राजनीतिक दलों के मेहमान है वो भी जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से हेमंत खंदौली साहब हैं, इसके अलावा श्याम सुंदर उपाध्याय साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, प्रदीप चौधरी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, योगेश दुबे जी हमारे साथ आरएलडी से हैं, योगेश भारद्वाज साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश चतुर्वेदी साहब, जो कि यमुना पुत्र इनको कहा जाता है। यमुना पुत्र इसलिए क्योंकि यमुना की सफाई के लिए और यमुना के बेहतरी के लिए उन्होंने लगातार काम किया है और इसी वजह से इन्हें यमुना पुत्र कहा जाता है। तो आज की इस डिबेट को हम शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार अब जो शाम है वो रात में तब्दील हो रही है, तापमान जो है वो धीरे धीरे अब ठंड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा जो है मथुरा का या पूर्व पश्चिम का वो बढ़ रहा है। तो चलिए मेहमानों से हम शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को, आज की इस डिबेट को, और जानने की कोशिश करते हैं कि मथुरा का इस बार
मूड क्या है, मथुरा के जनता का मूड क्या है, और जिन मुद्दों पर लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से चर्चाएं हो रही हैं वो मुद्दे जनता पर कितना इफेक्ट डालने वाली है। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं खंडोली साहब। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मथुरा का इस बार क्या मूड है, मथुरा की जनता का मूड क्या है, क्योंकि हम बीते 3 दिनों से मथुरा में बने हुए हैं। हमने कोशिश की जानने की, समझने की, कि यहाँ की जनता की समस्याएं क्या हैं, जनता के मुद्दे क्या हैं, और जानने के बाद ये पता चला है कि भैया विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ, दूसरी चीज सड़कों पर काम बिल्कुल नहीं हुआ, तीसरी चीज बिजली को लेकर लोग काफी समस्याओं में हैं। कुछ आप लोगों की तरफ से मुकदमे भी लोगों की तरफ से कराए गए हैं, जो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये सिर्फ बातें हैं या फिर इसमें कोई सच्चाई है कि आप लोगों की तरफ से काम हुआ, सड़क पर काम हुआ, बिजली को लेकर बेहतरी की गई, इस तरह की चीजें जो निकल कर सामने आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो मैं आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं सबके पास आऊंगा, आप लोग शांत रहिए, पहले मैं इन लोग की बात कर लूं। सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सभी सदस्यों का वंदन करता हूँ, माँ यमुना को नमन करता हूँ, ठाकुर द्वारकाधीश महाराज को नमन करता हूँ, क्योंकि हम उनके सानिध्य में खड़े हैं और माँ यमुना के तट पर खड़े हैं। विरोधियों का काम विरोध करने का होता है, विपक्षी हमेशा विपक्ष की बात करता है और विरोध की बात करता है। विकास की गंगा वाकई में मथुरा में बही है और पूरे उत्तर प्रदेश में बही है। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 3 जिलों में बिजली आया करती थी, आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 24 घंटे बिजली आने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा किया गया है। बात अगर आप मथुरा की करते हैं तो मथुरा में तो ये हालत थी कि रात में सोना मुश्किल हुआ करता था। रात में कभी बिस्तर लेके लोग छत पर लड़ा करते थे, कभी बिस्तर लेके नीचे। क्या कारण था, क्या बिजली नहीं आती थी? नहीं थी। किसकी सरकार में? सरकार उत्तर कांग्रेस की रही, सरकार सपा की रही। अच्छा। सरकार लाल टोपी वालों की रही। और हम बिजली नहीं देते थे, कहा बिजली थी कहा? लोग कह रहे हैं कि, लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से बिजली के मामलों में करीब 6,000 से ज्यादा FIR करवा दी गई। नहीं, FIR ये सब विरोधियों के कहने के हथकंडे हैं, ऐसी कोई FIR नहीं हुई है। और जो बिजली, जिन लोगों ने खुले में बिजली चोरी की है उनके खिलाफ FIR हुई होंगी। और ये शासन का काम है, ये कहा जा रहा है, ये बात बार बार निकल के सामने आ रही है कि अगर आप लोगों ने बेहतर काम किया होता तो आपके नेताओं को डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं करनी पड़ती। ऐसा कुछ नहीं है, डोर टू डोर कैंपेनिंग तो कोविड की वजह से हो रही है, क्योंकि सभाएं नहीं हो पा रही, बड़ी बड़ी आम सभाएं नहीं हो पा रही, तो राष्ट्रीय नेताओं को आना, प्रदेश के नेताओं का आना, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और चुनाव में सभी लोग आते हैं, सभी राजनीतिक लोग आ रहे हैं। बेहतर हुई है बीते 5 साल, क्यों नहीं हुआ? विकास हुआ है। जहां पूरे मथुरा शहर में केवल तारों के जंजाल लटके आया करते थे, आज मथुरा शहर की सारी सड़कें साफ पड़ी है। मैंने देखा कहीं भी आपने तार झूलते हुए नहीं दिखाई दिए होंगे। पतली पतली गलियों में तार झूलते थे, आज पतली गलियों में अंडरग्राउंड लाइन का काम हुआ है। बुढ़ा मथुरा में बिजली, मैं तीन दिन से यही हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सड़कों के गड्ढे जो है बिल्कुल कम हो गए हैं यहाँ पर। मैं ये देख रहा हूँ कि बिजली के तार नहीं है, लोगों की शिकायतें कोई नहीं है। शिकायतें तो है ही नहीं, शिकायतें तो केवल विरोधियों की है, शिकायतें नहीं है। नहीं, विरोधी लोगों का विरोध करना है, और आप हो सकता है आप विरोधियों से मिले हो। प्रदीप भाई, ये क्या दिक्कत है? आप लोग की जब सरकार थी तो आप लोग मथुरा में बिजली नहीं दे रहे थे, ऐसा ये साफ कह रहे हैं इस वक्त। और दूसरी चीज, काम तो हुआ है, तो क्यों आप लोग लगातार कह रहे हैं कि भैया कोई काम ही नहीं हुआ? नितिन जी, पहले तो आपका स्वागत है। दूसरा, खंडोली भाई, ऐसा अच्छी बात है अपने नेता के बारे में तारीफ करना, नेता को खुश रखना। पहले तो आपको बता दूं, जो आपने FIR की बात की, वो 6,000 नहीं है, 16,500 FIR जनपद में हुई। मैं रिकॉर्ड दे दूंगा आपको। अच्छा। 16,500 FIR बिजली चोरी की। हाँ। इस मंत्री, इस ऊर्जा मंत्री जी ने जनपद में कराई है। क्या कारण था उसके? मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। दूसरी बात, भाई ने कहा कि पहले ऊपर नीचे लाइट नहीं आती थी। हाँ। ये तो अभी भाई यहाँ जिले के नेता है, नगर निगम के नेता है, मैं इनके मंत्री को चैलेंज करता हूँ, वो ये बता दें 5 वर्षों में कोई पावर प्लांट लगाया हो, 5 वर्षों में कोई बिजली का नया कारखाना लगाया हो, 5 वर्षों में कहीं से बिजली खरीदी हो। ये वही बिजली है जो समाजवादी सरकार में निर्माण हुआ, बिजली का पावर प्लांट बने, पावर स्टेशन बने, थर्मल प्लांट बने। और वो क्योंकि किसी चीज को, जब हम सरकार 2012 में आए, अखिलेश जी ने बिजली का पूरा इंतजाम किया और कारखाने लगाए, पावर प्लांट लगाए, बिजली का उत्पादन बढ़ाया। एनॉल राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि आप एक गांव बना के दिखाइए सोलर से चलता हो। मैं एक नहीं, यूपी में अखिलेश जी ने 17 गांव प्रॉपर गांव ऐसे बनाए जो आज भी टोटल सोलर से चलते हैं। तो इनको जानकारी नहीं है अभी, भाई बिजली आपने दी कहां से? दी कहीं से? खरीदी या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं एक मिनट रुकिए, हमने उत्पादन किया बिजली का और हमने पावर प्लांट जो बनाया, उस पावर प्लांट का 5 साल में मुख्यमंत्री जी इनके नाम नहीं रट पाए।
उस पावर प्लांट का नाम अपने जवान से मुख्यमंत्री बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बनाया हो तो बोले ना। और रही बात जनपद मथुरा की, सब जनपदवासी खड़े हैं, हमेशा आजादी से लेके राग कभी केंद्र में किसी की सरकार तो प्रदेश में किसी की सरकार क्या है, चुनाव का समीकरण जनता का। हम जमुना जी की पार पे खड़े हैं, हमारी आराध्य जमुना महारानी है, यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आचमन करते हैं। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी और यूपी में भी। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ, एक लोटा पानी पी सकते हैं जमुना जी के? ये पी सकते हैं आप? क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज, शांत रहिए शांत रहिए शांत रहिए। नहीं नहीं ऐसा क्यों? नहीं नहीं, मुझे मुझे पहले बताओ आप लोग, मुझे नहीं मुझे एक मिनट, आप पहले मुझे बताइए, आप मुझे पहले बताइए, ठीक है ठीक है। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, प्लीज आप लोग शांत रहिए, प्लीज आप लोग शांत रहिए, प्लीज 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 शांत रहिए। मैं ये कह रहा हूँ प्रदीप भाई, ये यमुना का पानी पी क्यों नहीं सकते हैं, ये पहले बताइए। तो पिलवाइए ना, आपके सामने यमुना का पानी पिए, एक लोटा खंडोली जी। मैं तो डेली आचमन करता हूँ, मैं यमुना का माँ यमुना का हम डेली आचमन करते हैं। क्या इनकी सरकार के समय यमुना में गंदी नहीं थी? और हमारी सरकार ने आकर पूरा 35 यमुना माँ के नाले बहते हैं, 21 नालों को टैप किया है, और मात्र 7 नाले ऐसे शहर में रह गए हैं, उनको भी टैप करने का काम कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, देखिए शांत रहिए। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्लीज मैं आऊंगा आप लोगों के पास। श्याम सुंदर साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्लीज प्लीज शांत रहिए, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। श्याम सुंदर साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, मैं जब से मैंने होश संभाला है, मथुरा के बारे में जाना है, मैं ये जानते आया हूँ कि यहाँ पर यमुना की आस्था से लोग जुड़े हुए हैं, यमुना और मथुरा दो ही हैं, और यमुना की पूजा अर्चना करना, यमुना का दर्शन करना, लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। चचा थोड़ा किनारे हो जाइए, आप अभी इधर आ जाइए, मैं आऊंगा, इधर आ जाइए, दूर दूर से लोग आते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर यमुना का पानी पिया क्यों नहीं जा सकता? देखिए, यमुना महारानी सभी की श्रद्धे है, ये दल के हिसाब से श्रद्धे नहीं है। जहां तक सवाल यमुना के शुद्धिकरण का है, जहां से देखिए, आप लोग शांत रहेंगे तभी आवाज सुनाई देगी, प्लीज शांत रहिए, प्लीज आप लोग शांत नहीं रहेंगे किसी की बात सुनाई नहीं देगी, शांत रहिए। हाँ, जहां तक यमुना के शुद्धिकरण का सवाल है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो तमाम तरह के प्रायोजित आंदोलन इन लोगों ने किए, और उसके पीछे जनता की जो इनकी मेन नीति है, भावनाओं को भड़काकर, चाहे वो धार्मिक हो, किसी भी रूप से सेंटीमेंट को जोड़कर सत्ता को हासिल करने का इन्हें प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो किसी भी दल के लोग रहो, उनके यहाँ उनके लिए यमुना श्रद्धेय नहीं है या इसके लिए प्रयास नहीं किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो जवाबदेह बनाते थे लोग, अब दुर्भाग्य कहिए या उनका सौभाग्य कहिए या देश का दुर्भाग्य कहिए, वो लोग सत्ता में है। जहां से यमुना जी का स्रोत है, निकलती है यमुना जी, वहां भाजपा की सरकार है। उत्तरांचल आप देखेंगे, हरियाणा में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, और यूपी में सरकार है। अब यह सवाल इनके लिए प्रासंगिक है, और दिल्ली में चूंकि केंद्र में भी ये बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, और करोड़ों अरबों रुपए की योजना इन्होंने बनाई है। अब उनका बंदरवाट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने जाते हैं, और चूंकि वो नारे थे केवल सत्ता प्राप्ति के, उनका भावनाओं से कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने कभी कोशिश क्यों नहीं करी? कांग्रेस कभी सड़क पर क्यों नहीं आई? कभी उसने मुद्दा क्यों नहीं? देखिए, हमने बोला ना, हमारे जो मुद्दे हैं वो उसमें सभी कुछ शामिल है। स्पेशल किसी सेंटीमेंट को हट करके या वो उकसा के वोट लेना औचित्यपूर्ण नहीं होता है। जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो एक सभी क्षेत्रों में काम करने की बात है, ऐसा कोई क्षेत्र बता दे कोई आदमी जिस क्षेत्र में कांग्रेस की सरकारों ने काम नहीं किया। अब कोई पर्टिकुलर किसी एक विषय के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। यूपी इलेक्शन के बारे में पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप लोगों ने कई सारे संकल्प उठाए हुए हैं कि हम इन संकल्पों पे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बारे में मैं पूछ रहा हूँ प्रदीप भाई, देखिए प्लीज सर, ऐसे नहीं, आप लोग शांत रहिए, नहीं आप शांत रहिए, मैं आऊंगा आपके पास, शांत रहिए, ठीक है, प्लीज शांत रहिए। प्रदीप भाई, मैं आ रहा हूँ, देखिए प्लीज शांत रहिए प्लीज। हाँ प्रदीप भाई, मैं ये कह रहा था, आखिर
सुनिए प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, मैं ये कह रहा था आखिर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी बात इसमें नहीं कही। इन्होंने कहा कि हम अपने संकल्पों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यमुना को लेकर के किसी तरह की कोई बात इनकी तरफ से नहीं कही गई, क्योंकि ये भी दोषी है उसके। केंद्र में लगातार यमुना दिल्ली से निकलती है, दिल्ली में भी इनकी सरकार रही है, हरियाणा में लगातार इनकी सरकार रही है, और आज जो यमुना की दुर्दशा है उसकी देन कांग्रेस और भाजपा दोनों है। आज लोग कहते हैं हरियाणा में भाजपा की सरकार है, आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, आज यहाँ है। इनका ये कहना है आज 35 नाले लगातार गंदी यमुना जी में गिर रहे हैं, ये कहते हैं हमने नाले टेप कर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ कहीं से फ्लो बह के आएगा और उसको रोक दोगे तो वो जा कहाँ रहा है? आपने क्या कोई पहले नारा बनाया या यमुना जी के सारे सारे आपने कोई लाइन डाली? ये झूठ बोलते हैं। और जिस दिन से ऊर्जा मंत्री यहाँ से विधायक बने, आम जनमानस का अपमान होने का काम हुआ है। उन्होंने लोगों का अपमान किया है, उन्होंने क्या गैंग बनाया, उनके भाई भतीजे ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। इस जनपद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आए, दोनों की गलतियां, बिल्कुल गलतियां हैं। हाँ। कांग्रेस और भाजपा एक थैली के दो चट्टे बट्टे हैं। हाँ। एक सिक्के के दो पहलू है, वही कांग्रेस है वही भाजपा है। योगेश दुबे साहब हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं। आरएलडी लगातार उत्तर प्रदेश के पश्चिम में अपने आप को मजबूत कर रही है और बताया जा रहा है कि इस बार का ये जो चुनाव है उस चुनाव में बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखने वाली पार्टियों में से शामिल आरएलडी भी है। योगेश दुबे साहब के पास हम चलते हैं। योगेश भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, अचानक से इनका जो मोह है वो उत्तर प्रदेश पश्चिम में क्यों हो गया? कोई कारण तो होगा, क्या दिक्कत है, आपको क्या लगता है? उत्तर प्रदेश के अंदर में सर जो 5 साल इनकी सिर्फ डबल इंजन की सरकार रही है, पश्चिम के अंदर या पूर्वांचल के अंदर में ग्राउंड लेवल पर इन्होंने कहीं कोई काम ही नहीं किया है। सिर्फ ये नारेबाजी, लोगों को गुमराह करने का काम, लोगों को बांटने का काम, भाईचारे को गुमराह करने का काम ये निश्चित तौर पर करते हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो ये गठबंधन हुआ है उस गठबंधन से ये बौखला गए हैं। दिन की रात की इनकी नींद उड़ गई है, इसलिए पश्चिम में आकर के आप देख रहे हैं। जो गृह मंत्री जी आकर के लोगों को बताया करते थे, वो गृह मंत्री आज जो है पश्चिम में जो गठबंधन है उस गठबंधन के कारण में घर घर जाकर के पर्चे बांट रहे हैं। खंडोली साहब कह रहे थे कि सबको जिम्मेदारी दी जाती चुनाव में और इसी जिम्मेदारी के तहत बड़े नेता आ रहे हैं, विपक्ष जो है बोलता रहे जी। सर देखिए, जो जिम्मेदारी दी जाती है ना, आदरणीय खंडोली जी से पूछिए कि अगर ये जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो अभी बात जो प्रदीप जी यमुना जी की कर रहे थे, यमुना के अंदर में जब यमुना का जो आंदोलन हुआ था उस यमुना के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय ये कहा था कि जब केंद्र में हमारी सरकार होगी और यूपी में जब हमारी सरकार होगी तो यमुना जो है शुद्ध होगी। अब हरियाणा में इनकी सरकार है, यूपी में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, लेकिन यमुना महारानी आज भी जो है वो हरियाणा में कैद हैं, वो हथरी कुंड पे कैद हैं। क्यों नहीं खुलवा देते हैं सरकार, ये तो पूछ लीजिए इनसे। लेकिन जब भी बात आती है तो घर गुमराह करने की बात करते हैं, यमुना पूजन करने की तो बात कर रहे हैं। क्या जीत रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के पश्चिम? सर उत्तर प्रदेश के अंदर में गठबंधन की यूपी में सरकार बनने जा रही है, हम पश्चिम में नहीं, हम पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार। बीजेपी का, कांग्रेस का, बीजेपी कांग्रेस का, बीजेपी का बीजेपी जाने, कांग्रेस का कांग्रेस जाने, हम नहीं जानते कुछ। हम तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार बनाने आ रही है ये जानते हैं। योगेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार यहां पर मथुरा में और इस क्षेत्र में इन्होंने अपनी पत्रकारिता करी है। योगेश भाई सबसे पहले बहुत स्वागत है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, 5 साल बीजेपी ने अपने इस विधानसभा के साथ साथ मथुरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बिताए हैं, केंद्र में 7.5 साल हो रहे हैं लगभग, क्या चीज बदली है उत्तर प्रदेश के मथुरा में, क्या चीज बदली है मथुरा वासियों के जीवन में और कितना विकास हुआ है? बहुत शुक्रिया नितिन भाई आपका। सबसे पहले यमुना के अगर हम घाट पे खड़े हैं तो यमुना की बात से मैं अपनी शुरुआत करूंगा कि मुझे अच्छे से याद है कि जब 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मथुरा में अपनी एक सभा को करने आए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री भी गुजरात से आते हैं, 2014 में कहकर गए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो यमुना को अविरल और निर्मल बना देंगे, करोड़ों गुजराती इसी यमुना को पूजने आते हैं, करोड़ों लोगों की आस्था बनी हुई है। लेकिन यमुना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किया नहीं है, बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। कांग्रेस के टाइम में गोकुल
गोकुल बैराज यहाँ पे बना था। आज अगर गोकुल बैराज नहीं होता तो यमुना में जो पानी देख रहे हैं कि नालों का पानी ये भी नहीं होता। खंडौली साहब कह रहे हैं, खंडौली साहब ये करोड़ों यहाँ रहने वाले लोग हैं जिनकी जीविका यमुना से चलती है, लेकिन यमुना के नाम पे बीजेपी ने कुछ नहीं किया। स्थिति आज ये है, श्रीकांत जी का जगह जगह विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि पिछले 5 साल में जनता से संवाद नहीं कर पाई, जनता के काम नहीं कर पाई। अगर उन लोगों ने काम किए होते तो आज उनको घर घर चौखट चौखट नहीं जाना पड़ रहा होता। ये जनता ही उनका एक सवाल खंडौली साहब आए हुए हैं, वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं तो रोज आचमन करता हूँ, मुझे पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं, पानी साफ है। देखिए निश्चित तौर पर यहाँ के मतलब लोग भी खड़े हैं, आप इनसे पूछिए कि यमुना का पानी जो है कितना दूषित है, कितना काला है कि उसको आचमन भी नहीं कर सकते। इतना गंदा पानी है, दुर्गंध आती है उसमें। किया क्या यमुना के लिए? कुछ नहीं। ये केवल श्रीकांत जी ने, कोई नेता हो, श्रीकांत जी का कोई नेता हो, यमुना पूजन किया, यमुना पूजन करके चले गए। ठीक। मथुरा के बारे में और बताइए, मथुरा का कितना विकास हुआ, मथुरा की समस्याएं सुलझी कि नहीं सुलझी, चाहे बिजली को लेकर हो गई हो या फिर अन्य समस्याओं को लेकर हो गई हो। इसके अलावा इस बार यहाँ पर क्या समीकरण बन रहा है, क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है? देखिए राजनीतिक माहौल की बात करूं तो हमारी शहरी जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है, ऐसा यहाँ पे कहा भी जाता है, क्योंकि दूसरी बार श्रीकांत जी मैदान में हैं। एक बार यहाँ से मंत्री विधायक रह चुके हैं, पूर्व में एक कांग्रेस की रही है। तो बाकी जो सीटों पे जो स्थिति आ रही है बीजेपी की, वो स्थिति अनुकूल बराबर नहीं आ रही है कांग्रेस की। अब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की। ठीक है। हाँ, हमारे साथ मुकेश साहब जुड़े हैं, मुकेश चतुर्वेदी जी। इनको यमुना पुत्र कहा जाता है और एक लंबे समय से ये यमुना के लिए काम करते हुए आए हैं। मुकेश भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में सुना है, मुझे यही पता चला है कि आप लगातार यमुना के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो उसके बारे में बताइएगा, दूसरी चीज आखिर ये कदम क्यों उठाना पड़ा, क्या कारण रहा? और इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, मथुरा का जो चुनाव है, वो किस करवट की तरफ जा रहा? मां यमुना के लिए जो भी इतनी सारी बात आप देख रहे हैं, डिबेट आके घूम पे यहीं आ गई, लेकिन ये जितने भी राजनीतिक दल के लोग खड़े हैं, इनसे अगर आप एक शब्द ये पूछ लेंगे कि आपके मैनिफेस्टो में कहीं यमुना जी का नाम है क्या, तो ये नहीं बता सकते। सारे एक भी नहीं। एक दल ने पानी बेच दिया, उसके पीछे सबसे पहले यमुना, जिस दिन से आप एक मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं मुझसे खुलेआम, दिल्ली से बहुत बात में, लेकिन जिस दिन यूपी से कांग्रेस गई उस दिन से यमुना का जाना खत्म हुआ। 94 में उसके पानी को बेच दिया। एक सामान्य बात है, जब मेरी यह यमुना जी है तो मैं बुलंदशहर से गंगा का पानी लाके और यहाँ लोगों को पिलाऊं, ये कौन सी समझदारी वाली बात है? तो यहाँ पैसा ही जमा नहीं किया। 94 में जिसकी भी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस का नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि सबसे पहले वो थी यूपी में, खत्म हुई। उसके बाद में बीजेपी बसपा इतने रुपए हो गई, लेकिन आज तक यह स्थिति है। यमुना प्रदूषण से, यमुना शब्द नाम है, यहां से लेके वहां तक घाट पर चले जाइए, केवल नमामि गंगे। यमुना जी के नाम से कोई छुट्टी नहीं, यमुना जी के नाम से कोई बेसिन नहीं, यमुना जी कोई राष्ट्रीय नदी नहीं जो 6 राज्यों से होकर गुजरती है, यमुना जी के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं। ये जो तीर्थ आप खड़े हुए हैं, ये तीर्थ स्थल नहीं, जो 4 युगों का साक्षी भूमि है, डिफरेंट लैंड ऑफ द अर्थ। तो हम भी जान रहे हैं इस बात को कि ये जितने भी लोग हैं, ये केवल क्या है कि इन पे कुछ मुद्दा तो है नहीं किसी के पास भी, और यमुना पे तो कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन मुद्दा इसलिए है कि ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये सबकी जो मेरी आवाज है वो सबकी ये ही आवाज है। आपने यमुना की बात की थी, यमुना की बात पर सब बोलेगा, बच्चा बोलेगा, लेकिन ये जो इन्होंने कहा आई यमुना जी का जल जो कहना प्रदूषण, एक बूंद जल, अगर ये कोई भी राजनीतिक दल ये साबित कर दे मथुरा में, मैं आपसे कह रहा हूं मीडिया से, पूरे भारत भर से इंटरनेशनल लोग आ जाएं, ये साबित कर ले कि एक बूंद जल मथुरा में अगर है और तीर्थों के नाम पे अगर मथुरा का नाम है, यमुना मथुरा दोनों इसमें खत्म कर दिए। और एक सेकंड, बस हिंदू और मुस्लिम, ये इन्होंने एक नया कार्ड खेला। क्या खेला? हिंदू मुस्लिम। ये दोनों राजनीतिक दलों ने जो इस समय प्रबलता पे हैं, मैं भी कोई बच्चा नहीं हूं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला। अब राम का जब मंदिर बन गया और भोलेनाथ का मंदिर हमने बना लिया, 267 मंदिर हुए, आप भी मीडिया हैं, आप मुझे बताएं आपने कितने समाचार लगाए उन 267 मंदिरों को ढाने वालों के ऊपर? एक समाचार नहीं है। वो जो इस समय वर्तमान मंदिर है इससे भी पुराने थे,
उसके लिए कोई पुरातत्व विभाग नहीं है, लेकिन जिस कानून से आपने वो अपना काम किया उस कानून से मथुरा का भी कर लो, लेकिन वो दंगा क्यों बना रहे हो? यमुना क्यों नहीं आ रही मुद्दे में, जबकि बातों पे है, जुबा पे है। यमुना कहने से हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। मथुरा और यमुना, मैं आता हूँ। खंदौली साहब, आपने सबकी बात सुनी और जहां तक लगभग सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त मथुरा का जो समीकरण है वो आपके लिए थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां आप जीत रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो समस्याओं भरी हैं आपके लिए। दूसरी चीज, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसी पे ये लोग सवाल कर। मथुरा जिले की 5वीं सीट हम जीत रहे हैं। भाई प्रदीप जी ने ये मुद्दा जो यमुना मैया का उठाया है, माँ यमुना के मुद्दे की बात, ये आस्था से जुड़े शब्दों की बात करते हैं, आस्था से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं, तो आस्था से जुड़ा मुद्दा तो हमारा भगवान श्री राम का मंदिर भी था, जहाँ जहाँ तो आप लोग ने बना दिया, जहाँ हजारों कार सेवकों की को गोलियां चलवा के, जहाँ हजारों कार सेवकों का रक्त रंजित करा के ये लाल टोपी लगाए घूम रहे हैं, उसी रक्त की लाल टोपी को लगा के ये लोग घूम रहे हैं, ये लोग हमारे आस्था की बात करते हैं। इनको आज माँ यमुना याद आ रही है, जब हजारों कार सेवकों पर उन्होंने गोलियां चलाई, जब हजारों कार सेवकों के रक्त से सड़कों को रंजित कर दिया, उस समय मैं भी वहां मौके पर मौजूद था, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, मैं वहां मौके पर मौजूद था, और ऐसे हजारों कार सेवकों की रक्त रंजित करके हजारों माँ, हजारों बहनों के, हजारों माता, हजारों सुहागनों के सिंदूर को उजाड़ कर, हजारों माताओं के सिंदूर को उजाड़ के, उनके सिंदूर के लाल रंग को लगा के ये टोपी लगा, लाल टोपी लगा के, और आस्था की बात करते हैं, भगवान हमारे धर्म की बात करते हैं। ये आपकी बात सुन के श्याम सुंदर जी भी हंस रहे हैं, ऐसा क्या कह दिया भाई? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, जो लोग अधर्म की बात करते थे आज उनको धर्म याद आ रहा है, जो टोपी लगा के घूमा करते थे भगवान श्री राम आज मरियम याद आ रही है। प्लीज शांत रहिए, प्लीज, मैं आऊंगा सर। खंदौली साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि आपकी मुस्कुराहट? इनकी पार्टी जुमलेबाजी के लिए मशहूर हो चुकी है, लाखों देंगे, करोड़ों का विकास करेंगे, अब उन्होंने भी कह दिया हजारों, अब इनसे अगर मैं 100 की सूची मांग लूं तो सारी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये कोरोना काल में सबको माले में लाशों के अंबार लगे, शिक्षकों मरे, दुनिया भर उनकी सूची अपने कार्यकाल की नहीं दे पा रहे, इनके पास कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख। अरे सुनिए ना, ये पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, ये ऐसे हाइपोथेटिकल बातें हम लोग नहीं करते, ये इन्हीं को शोभा देती है और इन्हीं को मुबारक, और हमेशा ये ही करें। हमारा कहने का तात्पर्य, अगर हजारों लोगों के घाव पे आपने कभी उन पर मरहम लगाने का काम किया हो, तो जो लोग उस जमाने में शहीद हुए उनकी बेवाओं को आपने सम्मानित किया, उनके परिवार को नौकरियां दी हो, तो हम मान लेते हैं कि आपने सब कुछ ऐसा किया। किसान आंदोलन में लोग शहीद हुए, आपने देखा कांग्रेस की सरकार ने उनको नौकरियां दी, तमाम तरह के उनके रियायतें दी उनको। अगर वास्तव में आप उनके हमदर्द हैं जिनके नाम पे आपने सत्ता प्राप्त करी है, हजार नहीं आप 200 लोगों को भी अगर कार सेवकों के परिवारों को आप कोई राहत देते, नौकरी देते, सम्मानित करते, आवाज देते, खेत देते, पट्टे करते, तो आपकी हमदर्दी मानता। केवल फसल काटने का काम, राजनीति का काम, भावनाओं को मैंने पहले ही बोला था, इनका हर मुद्दा ये है, कभी राष्ट्र के नाम पे राष्ट्र की बर्बादी, बेरोजगार के नाम पे बेरोजगार को और बेरोजगार बनाना, व्यापार की उन्नति के नाम पे व्यापार को चौपट करना, सेना के नाम पे सेना को बर्बाद करना, पुलवामा सबको मालूम है, इनका काम जो ये कह रहे हैं यह मान लेना जस्ट इसके विपरीत ये लोग करेंगे, इसलिए इनकी बातों पे सिवाय मुस्कुराने के और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करने के कि इनको सद्बुद्धि दे और देश हित में काम करे, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। ठीक है। प्रदीप भाई, 6.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी गई हैं, सरकारी नौकरियां, इस पर क्या कोई मुद्दा बन रहा है क्या? बेरोजगार की बात जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बढ़ी है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने 6.5 लाख नौकरियां दी हैं। नितिन जी, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात थी, कितना? 5 वर्ष में 10 करोड़ रोजगार होते, और ये कह रहे हैं हमने 6.5 लाख दी। दूसरी बात, आप इन्होंने कहा कि इसी वजह से कम दे पाए क्योंकि हमने साफ सुथरी तरीके से करी है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, ऐसा है, साफ सुथरी अगर आप बात करो, जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा वो साफ सुथरा, जो भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट ले लेगा वो हिंदू, अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं तो हिंदू हिंदू नहीं हो सकता, इनके प्रमाण पत्र से ही हम सब कुछ जो करेंगे। रही बात विकास की, आपने कहा बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि जमुना जी सबकी आराध्य, हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता। हमने अपनी सरकार में वृंदावन से रिवर फ्रंट की शुरुआत करी, 700 करोड़ रुपए में आप वृंदावन में अधूरा काम पड़ा रिवर फ्रंट बनाने का काम किया, इन्होंने 5 वर्ष उस काम को रोकने का काम किया। यहाँ पे भी यहाँ पे जिस घाट पे आप खड़े हो, ये समाजवादी पार्टी का निर्माण है, ये बताएं, इन्होंने एक पत्थर भी यहाँ लगाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये हमारा निर्माण है। अच्छा। अखिलेश यादव जी का निर्माण है। तीसरी बात, हम लोग यमुना जी के सारे पैदल नाराज वृंदावन से लेके और गोकुल तक निकालना चाहते थे, रिवर फ्रंट आपने देखो वृंदावन में काम चला था, 150 करोड़ रुपए लग भी गया था, इन्होंने पैसा बंद करके काम किया। तीसरा, यहाँ हमारे पंडा पुरोहित खड़े हैं,
इनका अपमान करने का भारतीय जनता पार्टी इनको लपका कहने का काम किया, इन्हीं के मुख्यमंत्री ने किया। ये लोग लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये लोग विकास की बात नहीं करेंगे। अगर विकास की बात ये करना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि कितने लोग गोवर्धन जाते हैं? अगर गाड़ी एक बार चली जाए तो सर्विस को जाती है। हमने गोवर्धन को 4 लेन बना करके 488 करोड़ में काम चालू किया, 4 वर्ष में उस फंड को रिलीज ना करके जब चुनाव आ गया तब काम चालू किया है। ये लोग झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। जितना प्यार मथुरा में है, क्योंकि मथुरा 3 लोग से न्यारी है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है किसी जाति धर्म का। यहाँ मुस्लिम भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बनाते हैं, हिंदू ईद मनाता है, यहाँ भाईचारे से हम लोग रहते हैं। ये उस भाईचारे को मथुरा को तोड़ना चाहते हैं। सर, सबसे बड़ी बात पूछना चाहूंगा भाई हेमंत जी से, ये मथुरा के सभी ब्रजवासी खड़े हुए हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं, मैं मथुरा से बाहर जाना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे ये बता दें, मथुरा में मंत्री 2 इनके, मथुरा में मेयर इनका, मथुरा में सांसद इनका, मथुरा में 4 विधायक इनके, ये 5, 2 मंत्री इनके, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये मथुरा के सब ब्रजवासी खड़े हैं, मथुरा में रोजगार के नाम पर पूरे 5 साल में इन्होंने कोई मथुरा में फैक्ट्री लगाई हो तो मुझे मथुरा में ये नाम बताएं। मथुरा में इन्होंने कोई भी डिग्री कॉलेज बनाया हो, पूरे 5 साल में मथुरा में कोई डिग्री कॉलेज बनाया हो बच्चों के लिए, तो इनका नाम बताएं। मथुरा के अंदर में मेडिकल के नाम पे कोई हॉस्पिटल बनाया हो तो ये उसका नाम बताएं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं मथुरा बता रहा हूँ, मैं ब्रजवासी हूँ। ये 5 काम गिनाते सर, ये हकीकत है। मथुरा में बच्चों के लिए डिग्री, नौली साहब चैलेंज है, मैं आ रहा हूँ, 5 काम गिनाइए। मैं पूछ लूँ सर, 10 साल से इनकी सांसद हैं, मथुरा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना पाए, मथुरा में 2 इनके मंत्री हैं, मथुरा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, मथुरा में 4 इनके विधायक हैं, मथुरा में एक इंटर कॉलेज नहीं बना पाए। और सर, सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस यमुना के ऊपर ये बात करते हैं, मेरे ब्रजवासी ये खड़े हुए सर, गुजरात के अंदर पानी के जहाज चल सकते हैं, लेकिन मथुरा में यमुना में नाव नहीं चल पा रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी? अच्छा, अब हम थोड़ी देर के लिए जो यहाँ पर जो जनता आई हुई है मथुरा की, उनके पास भी चलेंगे और उनकी समस्या जान लेना, उनकी समस्याओं को समझ लेना वो बहुत जरूरी है। कैमरामैन से कहूंगा कि पास आए थोड़ा सा, और मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा। प्रणाम जी, राधे राधे। मंगलगढ़ पे रहता हूँ। यमुना जी के नाम पर जो कार बता रहे हैं आप लोग, आप सुबह आ जाए 9 बजे से 11 बजे तक, और आज बंद करके कोई भी पार्टी बता दे यमुना शुद्ध पार्टी कैसी है, समझे? पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी व्यक्ति की गुदा में गट्टा लगा दिया जाए और वो कि उसका पेट साफ हो जाए, कैसे हो सकता है? हमारे 84 से जब से बाद ये बात बंधा है, बांध बंधने के बाद में यमुना जी की हमारी 3 फुट की यमुना जी थी, आज 30 फुट की बाल आज बंद करने लग रही है, समझे? पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे मथुरा में जो मथुरा का मुख्य तीर्थ है विश्राम घाट, उस विश्राम घाट को छोड़ करके तीर्थ बनाए जा रहे कहां पे? जल मंदिर तीर्थ नहीं होते है कभी भी। तीर्थ स्थान जो होता है जहां पर की जिसी किसी बुढ़ी ने अपने जल कल्याण के लिए वर प्राप्त किया हो वो स्थान तीर्थ होता है। तो यहाँ पे हमारे मंत्री जी ने सब तीर्थ घोषित कर दिए, पूजनीय स्थल है, जब जो है पूजनीय स्थल है, क्योंकि तीर्थ नहीं है, तीर्थ तो मथुरा है मात्र, विश्राम केवल विश्राम घाट तीर्थ है, बाकी तो ये ठाकुर जी की लीला स्थल है, इनको तीर्थ कहाँ से घोषित कर दिया है? तो सभी तीर्थ है जो मथुरा जिले के अंतर्गत है वो तो मथुरा तीर्थ है, तो सब तीर्थ है, मथुरा ही तीर्थ नहीं है तो इनको तीर्थ कैसे बना दिया? ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई यमुना की, यमुना के अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, जिसमें रोजगार है, जिसमें बिजली है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें चिकित्सा है, कई सारे मुद्दे, तो और भी लोगों से जुड़ेंगे। भैया, क्या करते हो आप, और इस बार मथुरा में क्या चल रहा है? चुनाव है, चुनाव में वोटिंग के भी कुछ घंटे बचे हुए हैं, कुछ दिन बचे हुए हैं, क्या रणनीति तय करी हुई है जनता ने? देखो, जनता ने जो रणनीति तय की है वो सबसे पहली रणनीति है विकास, जो मथुरा में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। दूसरी चीज है शिक्षा, शिक्षा में लेके कोई भी कॉलेज आज तक नहीं बना। तीसरी चीज है मेडिकल, जिसमें आज तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं बना, और रोजगार के नाम पर सिर्फ पैसा खा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, युवा वर्ग बेरोजगार है, ना ही युवा वर्ग के पास पैसा है, इसीलिए ये लूट चोरी डकैती ये सब हो रही है, इसलिए करप्शन बढ़ रहा है। इसलिए श्रीकांत शर्मा ने तो कुछ नहीं किया है, हम भी उनका विरोध करते हैं, और मैं बेसिकली दिल्ली में ही जॉब करता हूँ, मथुरा में बेसिकली कुछ है ही नहीं, तो करने के लिए करेंगे क्या? और यमुना जी के लिए सिर्फ पैसा खाया है और कुछ नहीं किया है।
मैं मिस्त्री बेलदारी करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? काम सही चल रहा है। हाँ ठीक है, खुश हैं सरकार से? कोई दिक्कत नहीं। मिला जुला रिएक्शन है, मिला जुला रिएक्शन है। हाँ भैया बताइए। राहुल गांव है, जो एमपी साहिबा हेमा मालिनी जी ने गोद लिया था 5 साल पहले, जो उस 5 साल में एक एमपी जिस गांव का विकास नहीं कर सकता वो मथुरा का विकास क्या करेगा, जो 5 साल में उस गांव में सड़क नहीं बनवा सकता वो शहर में क्या कराएगा, जो 5 साल में मथुरा में किस चीज के लिए बनाया, जो 5 साल में विकास नहीं कर सकता एक शहर में और एक गाँव का, वो पूरे प्रदेश में क्या विकास करेंगे? ठीक है, आखिरी बाइट है। हाँ बताइए। मैं भाजपा के नेताजी से पूछना चाहता हूँ, बिजली का बिल सब लोग जान चुके हैं, 2 साल से डबल से भी ज्यादा आ रहा है। एक सर्वे हुआ, कंपनी ने भी कहा कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, भाजपा ने माना, पेपर में भी छपा, ज्यादा है तो बिल आज तक वापस क्यों नहीं किया गया? मैं बोलूंगा स्टूडेंट, एक बार मैं एक स्टूडेंट हूँ। पहले तो सरकार स्कॉलरशिप देती थी पुरानी सरकार, जब से बीजेपी आई है इसने स्कॉलरशिप रोकने का काम किया है, और ये स्कॉलरशिप गरीब बच्चे पढ़ पाते थे, डिग्री ले पाते थे, डिप्लोमा कर पाते थे, बीटेक सब कर पाते थे, पर इसने रोकने का काम किया, सब चीज बंद करने का काम किया सरकार। कंदौली साहब, यहाँ की जो जनता है वो तो काफी नाराज है भाई। नहीं जनता, पहले तो मैं प्रदीप जी की बात का जवाब दूंगा। प्रदीप जी विकास की बात करते हैं, जिस पार्टी ने केवल अपने परिवार का विकास किया, जिस पार्टी ने कभी जनता की तरफ देखा नहीं, जिस पार्टी ने कभी रोडों की तरफ नहीं देखा, जिस पार्टी ने कभी विकास की तरफ नहीं देखा, वो तो विकास की बात करते हैं। जिसने केवल कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जहां आप खड़े हैं ये भी समाजवादी पार्टी का, जिस पार्टी ने केवल गुंडा राज किया वो पार्टी आज हमसे विकास की बात करती है। पांच काम जिस इन्हीं के शासन काल में, इन्हीं के शासन काल में जिस राम कृपया शांत रहिए प्लीज। इन्हीं के शासन काल में, इन्हीं के भूमाफियाओं को द्वारा इन्होंने एक राम रक्षपाल नाम का एक व्यक्ति पैदा किया मथुरा में, जिसने जवाहरात का इतना बड़ा कांड किया, जिसमें हमारे 2 लोग शहीद हुए, 2 बड़े पुलिस अधिकारी शहीद हुए। आज उस जवाहरात की स्थिति आप जाके देखिए, वहाँ एक सुंदर पार्क, एक इतना बड़ा ऐतिहासिक पार्क जो शायद ही यूपी में पहले नंबर का पार्क है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में और हमारे विधायक जी के द्वारा बनवाया गया। अगर शांत रहिए प्लीज। नहीं विकास के काम किए तो ये अपना एक विधायक क्यों नहीं बना पाए? आज तक ये अपना एक विधायक नहीं बना पाए क्यों? अगर लोगों ने इतने विकास के काम किए, एक मिनट रुकिए, खंडौली जी रुकिए, बात खत्म मत करिए। अगर इतना ही उन्होंने विकास के कार्य किए तो जिस समय इस पूरे मथुरा शहर में अंधेरा छाया रहता था, इन्हीं का शासन काल था। 2017 से पहले का मथुरा देखिए, 2000 के बाद का मथुरा देखिए, सारी गलियां रोशन है। 2017 से पहले की सुरक्षा व्यवस्था देखिए, 2017 से पहले का गुंडा राज और 2017 के बाद का सुशासन, दोनों में फर्क देखिए। देखो ऐसा है, सुनिए, ये ब्रज की जनता बैठी है, रुकिए पहले, ये ब्रज के लोग बैठे हैं, हमारा एक भी जनप्रति आते कहां से चुनाव नहीं जीता, इनके 5-5 जीते मैं कह रहा हूँ। ये यमुना जी का पुल किसका निर्माण है? समाजवादी सरकार का। मच्छी फाटक का पुल किसने बनवाया? समाजवादी सरकार ने। यहाँ से लेके कचहरी से लेके स्टेडियम तक साइकिल ट्रैक से रोड निर्माण किसने किया? समाजवादी सरकार ने। होली गेट का सौंदर्यीकरण और रोड का निर्माण डिवाइडर का किसने किया? अखिलेश जी का बोर्ड लगाया, समाजवादी सरकार ने। वृंदावन में मल्टीलेवल पार्किंग बनाई, समाजवादी सरकार ने। बोर्ड लगाया, अभी चलते हैं, हमने बनाया। दिल्ली की कुतुब मीनार, अरे सुनिए, बीच मत बोलिए, रुकिए। और विकास की अगर बात करो, वृंदावन में मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का काम किया, उन्होंने जो बनवाया वो गिना रहे, बोर्ड लगाए हमारे जाके देख लीजिए, हम गिनवा, ये 5 काम गिनवा दे कोई। और सुनिए, राधा कुंड में ITI कॉलेज हमने बनवाया, हर ब्लॉक में, रुकिए सर बाबा एक मिनट सुनिए, और रुकिए नितिन जी, मथुरा जनपद में 10 ब्लॉक के 10 प्रत्येक ब्लॉक में मॉडल स्कूल बनाने का समाजवादी सरकार ने काम किया। ऐसा कोई ब्लॉक नहीं हुआ जिसमें मॉडल स्कूल नहीं होगा, चाहे फरे ले लीजिए, चाहे छाता ले लीजिए, चौमा, एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनाने का काम किया है। इन्होंने अगर कुछ किया है तो देश को बेचने का काम किया है, भाई से भाई लाने का काम किया है। ठीक है, प्लीज नहीं, पीछे जाइए, मैं आ रहा हूँ। राधे, मैं ये जानना चाह रहा था, आप काफी बुजुर्ग हैं और मैं ये जानना चाह रहा था कि कई सरकारें आपने देखी होंगी, मथुरा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, कई सारे विधायकों को देखा होगा, 5 सालों में कितना विकास हुआ और इस बार यहाँ की जो जनता है उसने क्या मूड बनाया?
देखिए साहब, जिस बाल्ड के ये मेंबर हैं, इनके बाल्ड में देखिए टूटी सड़क आज भी पड़ी हुई है, गली मेरे मोहल्ले की आज भी टूटी पड़ी हुई है। इस रोड को देखिए, टूटा हुआ रोड पड़ा है, आदमी निकल नहीं पा सकता है, इतने गड्ढे पड़े हुए। देखिए ये पाइपलाइन का फारा चल रहा है, अभी नल का पाइपलाइन का फारा चल रहा है, ये रहे आपके आगे यहीं। इन्होंने केवल इनके सुनिए, आज हमको जो लाइट मिल रही है, हमको काम मिल रहा है, बिल्कुल सही काम हुआ है बीजेपी सरकार में। केवल एक श्रीकांत सरकार, शांत रहिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक लंबे समय बाद यहाँ पर एक व्यक्ति मिले हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे मथुरा में बहुत अच्छा काम किया। हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कैसा काम रहा है और कितना विकास है, ये लोग कहे जैसा? भाई साहब देखिए, क्राइम कम हुआ है मथुरा में, जो क्राइम पहले था वो क्राइम। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लाइट, हमको 24 घंटे लाइट मिल रही है, क्राइम कम हुआ है। और हमारी बहन बेटियां ठीक है। प्लीज, ये एक मिनट, प्लीज, ये ठीक है आइए वापस आइए। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। हो गया, प्लीज देखो, मैंने इस डिबेट को इसलिए रखा है ताकि आप लोग के मुद्दों पर ही चर्चा हो सके, तो आप लोग शांत रहिए, इन लोग को थोड़ा बोलने दीजिए। आप लोग का हो गया, सबकी समस्या हो गई, जवाब आप लोग वोटिंग वाले दिन दीजिएगा, ठीक है? हो गया, प्लीज। हाँ सर, आपने सुनी गंदौली साहब की तरफ से या जनता की तरफ से, आप उसे कितना समझे? देखिए, हमारे लिए तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो, भाजपा हो, तमाम ये पार्टियां हैं, ये रीजनल पार्टियां हैं, रीजनल इनके मुद्दे हैं। हम ये जानते हैं कि जब देश का विकास होगा तो उसमें सभी लोगों का विकास होगा, देश में एकता कायम रहेगी तो सभी का लाभ होगा, देश का नौजवान तरक्की करेगा तो सभी तरक्की करेंगे। उसमें कोई जाति, धर्म या क्षेत्र के बात पे हम लोग बात नहीं करते हैं। हमारी जो विचारधारा है वो सबको साथ लेने के लेकर के चलने की विचारधारा है। तो हमारी जो चीजें हैं, हमारे जितने भी मुद्दे होते हैं, उसमें बेसिक है कि आदमी को हर तरीके से मजबूत किया जाए, रोजगार की दृष्टि से मजबूत किया जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यवस्थाएं अच्छी हो, देश में अमन चैन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। जब ये तीन चीजें मजबूत होंगी तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। सुशासन एक वर्ड जो है वो ऐसे ही नहीं है, सुशासन शब्द जो विचारों में आता है, कैसे व्यक्ति को हम चुनकर भेजते हैं और कैसे व्यक्ति के द्वारा हम सरकार चलवाते हैं, वो हमारी बातें जो है करेंगे। तो हम लोगों को ये देखने की जरूरत है कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तक लोगों को ने क्या अमन चैन रहा है, क्या तरक्कियां हुई है। देखिए, प्लीज शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए भाई, करने दीजिए, काम करने दीजिए हमें। हाँ, ये सब कराना है यार, तब क्या शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए आप लोग, थोड़ी देर शांत रहिए भाई, शांत रहिए आप सब लोग। नहीं, मैं नहीं होगा, शांत रहिए, सुनिए प्लीज, ठीक है, शांत रहिए। यहाँ वोटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा, ना गिनती हो रही है, आप शांत रहो थोड़ी देर, शांत रहो सर, प्लीज शांत रहिए। हाँ, हमारा कहने का आशय ये है कि देश में योग प्रधानमंत्री चुना जाए, देश में योग चीफ मिनिस्टर चुना जाए, शहर का मेयर योग चुना जाए, हमारे जिला पंचायत के सदस्य योग चुने जाए, और ये चुनने का अधिकार लोकतंत्र में जनता को ही है। तो हर पार्टी का प्रवक्ता या हर पार्टी की तरफ से जो पक्ष रखने आएगा, इसमें कोई नई बात नहीं, वो अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाएगा, लेकिन सर्वोपरि निर्णय लोकतंत्र में जनता का ही होता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए या धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए कोई मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम सबको साथ लेकर के चलने की जो बात करेंगे, तो जब हमारा देश में सामूहिक सहयोग से और सामूहिक विकास की बात होगी तभी कुछ होगा, और उसका वो विकल्प केवल कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी कभी नहीं हो सकती। ठीक है प्रदीप भाई, क्या ले आए भाई आप ये 20 डिबेट में ऐसा क्या ले आए? नितिन जी, एक मंत्रालय बना नमामि गंगे, जिस नमामि गंगे के तहत, अरे यार रुकिए भाई, नमामि गंगे के तहत 5,000 करोड़ रुपया उमा भारती के मंत्रालय में आया, और जमुना स्वच्छ करने के नाम पे 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया, और भाजपा के लोग कहते हैं यमुना स्वच्छ है, यमुना जी का जल है, मैं चाहता हूँ स्वच्छ किया तो जल ग्रहण करें भाजपा के लोग, पिए ना, अगर ग्रहण करें
वहाँ यमुना का जल हो जमुना ये तो हम नाली से भरकर आए यमुना हम नाली से भरकर आए जल नहीं पिएंगे ये लोग। अरे वास्तव में माँ यमुना का जल है तो ये तो मेरे लिए आस्था का प्रतीक है। मैं पीने को तैयार हूँ। ठीक है प्लीज प्लीज सामूहिक रूप से माफी मांगेंगे अगर ये माँ यमुना का जल है और मैं इसको पीने को तैयार हूँ माफी मांगेंगे। ठीक है ठीक ठीक है प्लीज प्लीज ठीक है 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 ठीक 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 ठीक। चलिए हम वापस आते हैं अपने मेहमानों के पास वापस आते हम अपने मेहमानों के पास वापस आते हैं। प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे रहिए थोड़ा पीछे रहिए थोड़ा पीछे होइए आप सब सब लोग पीछे होइए सब लोग पीछे होइए सब लोग पीछे होइए सब लोग पीछे होइए पीछे होइए पीछे होइए पीछे होइए पीछे होइए। हाँ सर ये कह रहे हैं जो ये एक सेकंड शांत रहिए प्लीज शांत रहिए शांत रहिए। ये आज पानी पिलाने की बात अगर इनके लिए कर रहे हैं तो पहले इनसे ये पूछिए एक सेकंड भैया सुना यमुना जी का पानी जो बेचा किसने 94 में किसकी गवर्नमेंट थी इसी सरकार ने इसी लाल टोपी ने यमुना जी का पानी बेचा था। यमुना जी का पानी इन्हीं ने बेचा बुलंदशहर से गंगा जल लाने के लिए नहर इन्हीं ने डलवाई और कांग्रेस ने ये बैराज बना के इस कचरे को यह रोक दिया। आज सुनिए बीजेपी से आशा थी यह धर्म की बात करती है यह बीजेपी धर्म की बात करती है तो फिर ये यमुना जी के लिए यहाँ से लेके वहां तक इनकी गवर्नमेंट है। यमुना जी के जल जो है हमारा हक्का जल वो हक्का जल ही हमारा खा गए हमारे हक्का एक जल नहीं है एक बूंद जल हमारे यमुना जी का नहीं है क्यों बेचा वो यमुना जी का जल क्यों बेचा और फिर उस जल के लिए आखिरी 5 वर्ष से गवर्नमेंट है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा ये कहते हैं धर्म की बात ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात करें सनातन को मिटाना चाहते हैं। आज द्वारकाधीश और विश्राम घाट पे आप बताइए कौन सी ये जो धर्म की बात करते हैं उस राजनीतिक पार्टी का कौन सा नेता आया। ठीक है एक लोग से पूछूंगा एक लोग बोलेंगे सब लोग नहीं बोलेंगे नहीं सब लोग नहीं बोलेंगे एक व्यक्ति कृपया एक व्यक्ति अगर सब लोग बोलेंगे मैं प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। हाँ आप बोलेंगे हाँ बाकी लोग शांत रहो नहीं एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति बोलो शांत रहो आप लोग प्लीज शांत रहो। क्या रणनीतियां हैं इस बार चुनाव में और जिस तरह से देखा जा रहा है क्योंकि बाकी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बीजेपी के लिए बहुत बेहतर नहीं है आप तो उस पर क्या कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी यही कहा गया था श्रीकांत शर्मा जी के लिए कि बाहर से लोग हैं और भाजपा के लोग वोट नहीं दे रहे हैं और ये हाल होगा और वो हाल होगा। उस समय भी 1,03,000 वोट से जीते थे और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे मथुरा जिले की 500 सीटों पर एक सीट पर नहीं इस बार 500 सीटों पर मथुरा जिले के लोगों ने सोच लिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भारी बहुमत से विजय बना करके और दोबारा लखनऊ लौटा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।